जी गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो पूरी देखना। दिल्ली NCR साउथ वेस्ट पड़ता है अपना नजफगढ़ का। मेरे ख्याल से नजफगढ़ की बेस्ट जिम में गया था वर्कआउट करने। बढ़िया इंपोर्टेड मशीनें और एकदम जैसे डाउन टू अर्थ ओनर, जो भी उनके ओनर थे जो मेरे को मिले, जिन्होंने मेरे को रिप्रेजेंट बताया ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक हफ्ता ना मेरे को स्टीम लेनी है, स्टीम बात लेनी है। और वो जिम में जा रहा था तो मुझे ना सही से नहीं लग रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो आज मैं अपने स्टेप भी पूरे नहीं कर पाया था। मेरा मेन मोटिव था स्टीम लेना। उनका सामने से मैंने मैसेज किया, उनका बहुत एक बोलते हैं ना कि प्यार वाला या वैसे कि रिप्लाई आया कि सर आप आओ करो, आपका कोई कोस्ट नहीं है, ये है ऐसे ऐसे। फिर मैं गया, मैंने वहाँ का ब्लॉग प्रॉपर बनाया है। जो भी मेरा भाई नजरवर्ड में कहीं वर्कआउट करना चाहता है, बहुत कम प्राइस में है। मैं कह रहा हूँ वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं और बातें नहीं मार रहा, मैं सच्चाई में बता रहा हूँ। मैं नजरवर्ड में पहली बार ऐसी जिम में गया हूँ, नजरवर्ड के हिसाब से, नजरवर्ड लाइक नहीं, हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत बेस्ट जिम है, हर चीज़ है उधर और बहुत अच्छी अच्छी जिम की हैं मशीनें, जो आपने देखी भी, में भी देखी भी नहीं होगी। वीडियो पूरी देखना, प्रॉपर पूरी जिम दिखाऊंगा कैसे क्या क्या है। आज सिर्फ मैं स्टेप करके आया हूँ, कल आपको वर्कआउट करके दिखाऊंगा। कल संडे है ना, तो कल आपको वर्कआउट करता दिखूंगा वहाँ पे। जिम पूरी देखना, मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट दिल्ली की एक नंबर की जिम है, तगड़ी जिसे कहते हैं ना, शानदार। जरूर जाना ट्राई लेने के लिए। जिम का नाम है, आगे देखो उसके बाद पता चलेगा। जी गाइस, क्या हाल चाल है। आज 1 किलो और वजन टूट गया। भैया के पास जाना था, मुझे लगता भैया का नाम सुन के वजन ही टूट जाता है, ये टूट नहीं रहा था। बाकी आज जाएंगे तैयार होके, पहले जिम में कार्डियो करेंगे, उसके बाद भैया से मिलने जाना है। ट्रिमिंग व्रिमिंग करा लिया, देखो क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले से रिजल्ट आया है, तो वजन ही कट गया अपने आप ही। तो बाकी बताते हैं पूरे दिन का क्या बोलेंगे भैया। वीडियो बनाएंगे, पूरी व्लॉग बनाएंगे, कोशिश करेंगे, पोजिंग दिखाएंगे आपको। बाकी बनाते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। जी गाइस, निकल गए हैं घर से, मिलके दिखाता हूँ। अभी जिम जल्दी पहुँचना है, अभी 8:30-9 बजे होंगे। बाकी 1-2.5 बजे भैया के पास पहुँचना है। दिखाता हूँ जिम पहुँच के क्या किया है, और सुबह दिखाऊँगा कितना वेट आ रहा था। बाकी मिलते हैं आपसे पहुँच के। जी गाइस, जुनून पता है किसे बोलते हैं। लाइट नहीं आ रही, ऊपर फ्लोर पे इन्वर्टर नहीं लगवा रखा, मैं नीचे लगवा रखा है तो ऊपर लाइट नहीं आ रही। वैसे रोज आती है, थाइज लगा रहे हैं। भैया पे मंडे को जाना है, भैया का फ़ोन आया था, मैसेज की भैया मंडे को आ जियो, तो मंडे को जाना है। लेग्स लगा रहे हैं ताबड़तोड़, बाद में आपको पंप दिखाएंगे कैसा आएगा। मे भी जब तक लाइट आ जाएगी, नीचे आती है नीचे, थाई सेशन मेरे ऊपर है तो ऊपर मैंने इन्वर्टर लगवा रखा, जल्दी लगवा लूँगा। बाकी मिलते हैं। जी गाइस, क्या हाल चाल है। जिम में लाइट नहीं आ रही, थाई मारने के बाद, मील लेने के बाद घर आ गया मैं। बाकी आधा घंटा रेस्ट करके, जान नहीं है बॉडी में, आधा घंटा रेस्ट, 1 घंटा रेस्ट करके ना या तो किसी जिम में जाएंगे या फिर पार्क में जाएंगे रनिंग करने, स्टेप पूरे करने के लिए। मिलूंगा आपको जब पार्क जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, बताते हैं कैसे रहेगा। टारगेट पूरा करना है। अब थाई करिए, जान निकली, 7-8 वर्कआउट करी थी, कूल एंड का टाइम चल रहा है। बाकी मिलता हूँ आपसे। गाइज, ये वो जिम जिप्स की बात कर रहा था। ये वन ऑफ द बेस्ट जिम है नजफगढ़ साउथ वेस्ट तुम्हारा। इसके हिसाब से कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। ये सारा इनका ऊपर का थाई सेशन है, मतलब जो एरिया थाई सेशन का एरिया है, एक नंबर की। इनर आउटर मतलब जो भी मशीनें होती है ना, इन्होंने सब लगा रखी है। तो कोई भी मेरा प्यारा भाई जो नजफगढ़ साइड रहता है, वो आके यहाँ वर्कआउट कर सकता है और रीजनेबल प्राइस, ठीक है। और मेरा अखाड़ा है भाई, जो अखाड़े वखाड़े जाते हैं कहीं जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ स्पेशल रस्सा भी है प्रॉपर। बहुत मशीनें हैं, ट्रेडमिल अलग से हैं, मैनुअल अलग है, दूसरी अलग है, हर चीज़ है। कार्डियो सेशन अलग दे रखा है, वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन जिसे बोलते हैं ना वो है। मैं बातें बना के नहीं बोल रहा, जो चीज़ जेन्युइन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपका पैसे यहाँ लगा के ख़राब नहीं जाएंगे, और मैं भी बहुत कम फीस ले रहे हैं। अब ये देखो, ये फ्लोर बना रखा है ना इन्होंने, ये कार्डियो सेशन है इनका, मतलब जहाँ बंदे एब्स वेब्स की करते हैं, प्रॉपर जाला अलग से दे रखी है। हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है, मतलब मैंने नजफगढ़ के हिसाब से इससे बड़ी और प्यारी जिम नहीं देखी। ये तीन गाइज, ये जिम 3 फ्लोर पे है, फर्स्ट सेकंड और टेरेस है। मतलब तीनों ऐसे वेल मेंटेन्ड हैं, देखने में लगता है कि हाँ पैसा खर्च किया, और जेन्युइनली मतलब जिसे कहते हैं कि पैसा खर्च है। हर चीज़ मिल जाएगी आपको, जो आपके मन में करेगा ना इस जिम में होनी चाहिए। मैं ये बातें बना के नहीं बोल रहा, मैं यहाँ वर्कआउट करके आया हूँ, मैं खुद एक जिम ओनर हूँ, मैंने जिम देखी है, मेरी जिम में पैसा लगा है, पर इन्होंने काफ़ी अच्छा अमाउंट लगा रखा है।
जिसको करने में मज़ा आएगा। और फीस इनकी मैं आप बता नहीं सकता, अगर या इनका काउंटर है जो इनका स्टार्टिंग मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, पोलाइट जो इनके इनके ओनर है ना, वो बहुत पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है। मतलब देख के ऐसे नहीं लगता कि होता है कि ओनर टाइप है, फ्रेंडली नेचर है उनका। बाकी आगे ऊपर लेके चलूँगा, देखो ये इनके वॉशरूम बना रखे हैं इन्होंने, सोना बाथ, स्ट्रीम बाथ, नीट एंड क्लीन। ये तो रात का टाइम है, अभी कोई था नहीं, मैं लेट करके आया हूँ, मैं कार्डियो करने गया था। अभी बाहर इनका टेरेस देखना आप, टेरेस कैसा है, ये अंदर देख लो आप। मतलब एक ही जगह में ना सब कुछ मिल जाएगा आपको, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। टेरेस देख लो, रस्सी ऊपर, खुली हवा, किसी को कुछ खाना हो, पीना हो, बैठना हो, थक गया हो, समझ रहे हो मेरी बात, हर चीज़ है। बाकी भाई मेरे कहने पे एक बार TLC में ज़रूर जाना, वन ऑफ द बेस्ट जिम है नजफगढ़ में, साउथ वेस्ट। थैंक यू।